नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबर की ओर। दिल्ली के गोकुलपुरी जुग्गी बस्ती में बीती रात एक हादसे ने परिवार के परिवार ही खाक कर दिए। यह हादसा तब हुआ जब रात में सब सोए हुए थे। अचानक तेज रोशनी हुई और लोगों ने देखा तो चारों तरफ आग ही आग थी। चंद मिनटों में तो हाहाकार मच गया। देखते ही देखते चारों तरफ आग की लपटें फैलती चली गई। लोग खुद को बचाते या फिर अपनों की मदद करते, किसी को कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिला। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि मानो विकराल रूप धारण किए हुए कोई हमारी जिंदगी की तरफ बढ़ता जा रहा हो। वो रात जिसने ना जाने कितनों की सुबह छीन ली, उस मनहूस रात को कैलेंडर की तारीख से कैसे मिटाई जाए। गोकुलपुरी जुग्गी बस्ती में एक परिवार के पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आज उनके परिवार वाले रो रो कर सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि हम कैसे और क्यों बच गए। धधकती आग में माँ बाप ने खूब प्रयास किया जिससे उसके बच्चे बच जाए, मगर उस धधकती आग के लपटे मानो सब कुछ खाक करने के इरादे से आई थी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गोकुलपुरी गांव की जुग्गियों में बीती रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि शनिवार तड़के आग पर काबू पाया जा सका। सर्च ऑपरेशन में एक जुग्गी से एक परिवार के पांच लोगों की जली हुई लाशें बरामद हुई। उसके अलावा एक अन्य जुग्गी से दूसरे परिवार के दो लोगों की जली हुई लाशें मिली हैं। आसपास के लोगों ने उनकी पहचान की। लोगों की बॉडी इतनी बुरी तरह जल चुकी है कि ये भी पता कर पाना मुश्किल था कि कौन सी लाश महिला की है और कौन सी लाश पुरुष की। खबर लिखे जाने तक वहां फायर फाइटर्स कूलिंग का काम कर रहे थे। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली देवेश कुमार माहला का कहना था कि आग में सात लोगों की जान गई है, वहां रहने वाले लोगों का भारी नुकसान हुआ। सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है, अब अंदर कोई बॉडी नहीं है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हम दिखाते रहे खबर आपको, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।